नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी टिकटॉक्स की एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूँ कुंशा, लेके आपके लिए कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए आज बात करते हैं वन प्लस 3 और 3T के बारे में, इसरो, एयरसेल, ओप्पो और ब्लू व्हेल गेम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस 3 और वन प्लस 3T के बारे में। तो जैसे आपको पता है, वन प्लस 3T काफ़ी हिट हुआ था और अभी रिसेंटली 2016 नवंबर में लॉन्च किया था और काफ़ी बड़ा हिट था ये मोबाइल। तो अभी वन प्लस ने कंफर्म किया है कि जो वन प्लस 3 और 3T उसको सिर्फ एंड्रॉयड ओ का अपडेट मिलेगा। यार देखिए, आपका फ़ोन इतना चल रहा है और आप एक अपडेट देके बस बंद, यानी कोई बड़ा अपडेट ही नहीं मिलेगा और आपको छोटे छोटे अपडेट्स मिलेंगे, जैसे सिक्योरिटी पैच लेवल या फिर बग फिक्सिंग का अपडेट। तो वन प्लस 3T के लिए एक सैड न्यूज़ है कि उनको एक बड़े अपडेट्स नहीं मिलेंगे। पता नहीं वन प्लस ने ऐसा क्यों किया, पर उन्होंने कन्फर्म कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे ये बदलते हैं डिसीजन क्या, नहीं कि अब फिर वन प्लस 3T को यूज़र्स को इसके साथ ही रहना पड़ेगा। अब अगला अपडेट आता है इसरो IRNSS के बारे में। तो इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च करने का सोचा है जो IRNSS है, जो इंडियन GPS पे वर्क करेगा। यानी बेसिकली जो इंडियन GPS है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा अगर ये सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च हो जाता है। तो जैसे कि फिर हमें अमेरिकन GPS पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और एक सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है वो मल्टी यूटिलिटी है, जैसे अगर कोई सैटेलाइट भी ख़राब हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ले सकता है या फिर कोई स्पेस स्टेशन। तो काफ़ी अच्छा सोचा है इसरो ने। अब देखते हैं ये सैटेलाइट कब लॉन्च करते हैं, और ये शायद पूरे एरिया अर्थ का 7 कवर करेगा, इतनी अच्छी इसकी फैसिलिटी होने वाली है। तो इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड बात है। और देखते हैं अब ये सैटेलाइट में आगे कितने हमें अपडेट्स देखने मिलते हैं। उसके बाद अगला अपडेट आता है एयरसेल के बारे में। तो एयरसेल तो भाई भैया अभी कंपटीशन में नहीं है, पर ऐसे में उसने किलर प्लान ला दिया है जो 419 रुपये में आपको 3 महीने के लिए डेली 2 GB यानी 168 GB मिलता है। पर इतना खुश मत हुई है, वो सिर्फ 2G और 3G कस्टमर्स के लिए ये अपडेट। अगर ये एयरसेल 4G कर दे तो अच्छी बात होगी, लेकिन ये 2G 3G भी अभी तक तमिलनाडु के साइड ही हुआ है, अभी तक ऑल ओवर इंडिया ये अपडेट हुआ नहीं है। तो अगर एयरसेल अगर ऐसा कोई अपडेट ला दे 4G के लिए ऑल ओवर इंडिया, तो क्या पता जियो भी हिल जाए। तो बाकी तो सब ये जियो की मोह माया है, उसके वजह से सब कंपनीज हिली हुए भाई। पर बाकी कस्टमर्स की मज़े, अब देखिए आगे आपको कैसे कैसे प्लान आने वाले और कैसी मज़े लेने वाले हम लोग। अब अगला अपडेट आता है ओप्पो F3 दीपिका पादुकोण लिमिटेड एडिशन। तो ओप्पो ने अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसमें आपको पीछे दीपिका पादुकोण की एक साइन मिलेगी एक ब्रेजललेस। तो जाइए लीजिए, 20,000 रुपये दीजिए, सेल्फी खींचिए, उड़ा लीजिए मज़ा मूनलाइट कैमरा के अंडर, और दीपिका पादुकोण की साइन बताइए आपको सबको, यानी ऐसे स्टाइल मारने के लिए कि भाई देखिए हमारे पास दीपिका पादुकोण की साइन है, ऐसा वैसा। भाई पता नहीं अब ओप्पो ने ये क्या सोच के दीपिका पादुकोण का एडिशन लॉन्च किया है। देखते हैं फ़ोन कितना चलता है, लोग कितने सेल्फी लेते हैं, लोग कितने फ़ैन है दीपिका पादुकोण के, कौन देता है 20,000 रुपये, सब देखने वाली बात हो गई। अब लास्ट अपडेट आता है ब्लू व्हेल गेम के बारे में। अब जैसे कि 7-8 दिन पहले एक सोलापुर में एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई थी, तो बच गया है, यानी उसको बचा लिया सही वक्त पे, वो गेम के कारण ही होने वाला था सब। और उसके कुछ महीनों पहले भी एक पंजाब में एक केस आया था, तो ये गेम इंडिया में भी आ चुका है, पता नहीं यार कहाँ से इसका APK फिर से ज़िंदा हो गया। अब देखते अब ये, पर आपसे गुजारिश है कि वो गेम मत खेले, क्यों 5-8 गेम खेलते हो ऐसे, 2-3 कौड़ी के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हो आप लोग, तो मत लगाइए ऐसे गेम, मत खेलिए। बाकी गेम्स भी है मार्केट में अच्छे अच्छे, तो ज़्यादा करके डिप्रेस पीपल प्लीज़ इससे बच के रहिए, गेम आए तो इग्नोर कीजिए, मत दीजिए आगे। बस ये सब था आज का अपडेट। शुक्रिया दोस्तों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।